स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कोयला परिवहन के नाम पर, तो कभी मेंटेनेंस के नाम पर, तो कभी विकास कार्यों के नाम पर लगातार यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है और ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। यानी कोरोना काल के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद भी पहले जैसी बहाल नहीं की गई है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यात्रियों को लेकर असंवेदनशील रवैया आखिर रेलवे क्यों बरत रही है? यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे उदासीन क्यों है? बिना वैकल्पिक व्यवस्था के क्यों रद्द हो रही हैं ये ट्रेनें? यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कब तक परेशान होना पड़ेगा? ट्रेनों को कैंसिल होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों को लेकर कई और सवाल हैं जिनके जवाब मेहमानों के साथ चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार यात्री ट्रेनें कैंसिल होने से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग कारण बताकर रेलवे लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिस कारण यात्री भटकने को मजबूर हैं। साथ ही यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि रेलवे ने पिछले कुछ महीनों में कितनी ट्रेनें कैंसिल की हैं। 7 से 17 जुलाई तक 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 7 से 17 जुलाई तक 10 ट्रेनों के रूट चेंज किए गए। 23 जून को मार्च से बंद 34 ट्रेनों की रद्द अवधि बढ़ी। दिसंबर से अब तक 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। अप्रैल में 23 यात्री ट्रेनें कैंसिल की गई थी। 5 से 24 मई के बीच 17 ट्रेनें रद्द थी। 9 एक्सप्रेस और 8 मेमू ट्रेनें रद्द थी। 3 महीने से 40 यात्री ट्रेनें रद्द हैं। 24 जून तक 36 यात्री ट्रेनें रद्द रहेंगी। 10 लाख से अधिक यात्रियों को असुविधा। बिलासपुर जोन से 343 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें चलती हैं। कोरोना काल में सभी ट्रेनों को बंद किया गया था। 343 में से 87 यात्री ट्रेनें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। आपने अभी देखा कि पिछले कुछ महीनों में रेलवे कितने ट्रेनों को रद्द कर चुकी है। लेकिन अब इस पर बीजेपी नेता का कहना है कि जनता की सुविधा के लिए ही ट्रेनों को कैंसिल किया गया, इससे जनता को ही फायदा होगा। अभी कुछ समय पहले जिन ट्रेनों के रूट डायवर्ट हुए थे या कुछ दिनों के लिए जो ट्रेनें रद्द हुई थी, रोकी गई थी, अब वो सामान्य रूप से चलने लगी है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये व्यवस्था क्षणिक है और कुछ जरूरी कामों के लिए, चाहे वो कुछ जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन हो जिसे भी जनता को ही इस्तेमाल होना है, जिसका फायदा भी जनता को ही होना है। मान लेते हैं कि कोयला परिवहन, मेंटेनेंस और विकास कार्य जनता के लिए ही हो रहे हैं, तो अब जब काम पूरा होगा तब तक जनता आना जाना छोड़ दे, क्या मेंटेनेंस पूरा होने तक कर्मचारी और व्यापारी अपना काम छोड़ दें? दरअसल मामला ट्रेन रद्द करने का नहीं है, बल्कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना करने का है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में मोदी भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता को रोज एक नई मुसीबत से सामना करना पड़ता है। कभी अचानक रात में आकर नोट का लीगल टेंडर बंद कर दिया जाता है, कभी पेट्रोल डीजल बंद कर दिए जाते हैं, कभी कोयला की आपूर्ति बंद कर दी जाते हैं, कभी अचानक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और अब अचानक बिना वजह ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा के सांसद हैं और एक राज्यसभा सदस्य हैं और जनता के परेशानियों पर मौन बैठे हैं और मोदी की तो जिस तरह से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। तो लगातार अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से ट्रेनों को कैंसिल किया गया था और लगातार ये बातें चर्चा में आ रही थी कि केंद्र कहीं ना कहीं भेदभाव वाला रवैया बरत रही है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि यात्रियों का क्या होगा। अजय जी, आप क्या मानते हैं, क्या कुछ कारण आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन ये ट्रेन कैंसिल हो रही है। देखिए कुछ आंकड़े दूं। सबसे पहले 31 मार्च 2022 को 10 ट्रेनें कैंसिल की गई, 23 अप्रैल को 23 ट्रेनें कैंसिल की गई, कुछ दिन पूर्व 36 ट्रेनें 1 महीने के लिए कैंसिल की गई और फिर से अब 7 से 17 जुलाई की 8 ट्रेनें कैंसिल की गई। और कुल आंकड़े दूं तो दिसंबर से लेकर अभी तक कुल 6 माह में 250 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार
और रेलवे मंत्रालय का जो बिना किसी वैकल्पिक योजना के, बिना किसी पूर्व सूचना के आज जो ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, जिससे जो आम नागरिक परेशान हो रहा है, आज कहीं ना कहीं उनको होने वाली परेशानियों से केंद्र की मोदी सरकार का कोई सरोकार नहीं है। और देखिए नीतू जी, कहीं ना कहीं लगातार शादी का सीजन रहा, छुट्टियों का सीजन रहा, ये इतिहास रहा है कि सीजन के समय एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है और ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जाते हैं। ये करना तो दूर की बात है, आज इतनी संख्या में ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, आज छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पास, उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वो आज व्यक्तिगत वाहन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो नौकरी पेशा, मीडियम नौकरी पेशा है या छोटे छोटे व्यवसायी है, कहीं ना कहीं वो परिवहन के लिए पूरी तरह रेलवे पर निर्भर है, और आज उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे मंत्रालय सीधी तरह जिम्मेदार है। और देखिए कहीं ना कहीं गीतू जी, एक बात और कहना चाहूंगा, ट्रेनों में यात्रियों का परिवहन और कोयला परिवहन, ये काफी सालों से एक साथ जारी है, हमेशा इन दोनों के बीच एक निश्चित कार्य योजना बना के, एक संतुलन बना के कार्य किया जाता रहा, इसलिए इस मात्रा में कभी भी ट्रेनों को कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे मंत्रालय कोयले के परिवहन और यात्री भाड़े में जो संतुलन और समन्वय स्थापित किया जाना था दोनों प्रकार की ट्रेनों में, उसमें पूरी तरह असफल साबित हुआ। या दूसरी बात यह हो सकती है, आज पूरा देश जानता है गीतू जी कि कोयले का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, आज किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसके इशारे पर आज रेलवे मंत्रालय लगातार देश में कोयले परिवहन की व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, आज 30-40% ज्यादा कीमत का कोयला राज्य सरकार को, जो देश में कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मिलाकर प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की लगातार मुनाफाखोरी की नीति है, आज ये पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर कोयले का परिवहन किया जाता है तो यात्रियों के परिवहन की तुलना में 30-40% ज्यादा कमाई होती है। और कहीं ना कहीं ये केंद्र की मोदी सरकार का क्षेत्र है, आज जब टेस्टिंग किट थी कोविड की, तब भी मुनाफाखोरी के कारण दिल्ली के हाईकोर्ट को फटकार लगाने के बाद टेस्टिंग किट का रेट कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं पूंजीपति और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की आम जनता को होने वाली तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के 9 सांसद है, एक राज्यसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, तो ये इनमें कोई नैतिक साहस नहीं है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता को होने वाली तकलीफों का उसके बारे में कोई कार्य करे, नैतिक साहस नहीं है। बिल्कुल, तो लगातार परेशानी हो रही है यात्रियों को। अजय जी हमारे साथ, राजीव चक्रवर्ती भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। और जिस तरह से रेलवे कहीं ना कहीं ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है, लेकिन ऐसे में अगर कुछ काम करना भी है रेलवे को तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? जीतू जी देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, तौर की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास केवल 2 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी कोयला भेजिए, बाकी देश के अन्य भागों में कोयले की कमी हो गई। लेकिन आपके आपकी सरकारें जिम्मेदार है, जो रिक्विजिशन नहीं भेजती है, जो होमवर्क नहीं करती है, राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार होता है कोयला की परिवहन किसके हाथ में, केंद्र सूची का विषय मैं तो आपके समय कुछ आप कह रहे थे, अजय जी पहले सुन लेते हैं राजीव जी को, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। अजय जी बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए, लेकिन गलत तथ्य मत रखिए राजीव जी, मेरा निवेदन है। नहीं नहीं क्यों नहीं, नहीं, नहीं मैं जो कहूंगा, आपको जब समय दिया जाएगा आप अपने बारी पर बोलिए। बोलिए बोलिए राजीव। तो मैं ये कह रहा था कि जो कोयले की आवश्यकता थी देश में, अगर ब्लैक डाउन हो जाता, पूरा ब्लैक हो जाता, उसके लिए पूरे राज्यों को समुचित रूप से कोयला की निर्बाध पूर्ति के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया, हम दुखी है उसके लिए। लेकिन देखिए देश काल वातावरण, जो आपात स्थिति आई, उस आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ये कहा गया कि लोगों की गर्मी में एसी चले, कूलर चले। अभी भूपेश बघेल जी कुछ दिन पहले कहे कि अगर आपको एयर कंडीशन चाहिए, अगर आपको कूलर चाहिए, आप गर्मी से बचना चाहते हैं, तो हमें तो अरण्य का जंगल काटना होगा। और अभी हमारे गंगवानी जी उद्वेलित हो रहे हैं, कह रहे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ। भैया अगर आपको लाइट चाहिए, आपको कूलर चाहिए, तो कोयला परिवहन आवश्यक है। और देखिए जो ट्रेनें अभी कैंसिल की गई है रूट की, जो रेलवे ने जानकारी दी है, वो छोटे रूट की ट्रेनें हैं जो लोकल पैसेंजर्स होते हैं, जैसे कोरबा गेवरा रोड, शिवनाथ एक्सप्रेस, जो छोटे रूट की ट्रेनें हैं जिसमें कम दूरी की यात्रा करते हैं, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था एक्सप्रेस ट्रेनों में रहती है। तो उसके ऊपर से हवा बनाना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने रेलवे को रोक दिया, 18 ट्रेनें रोक दी। भाई जब ट्रेन में कोई डिरेलमेंट होती किसी रास्ते पर, तो 18 क्या 80 ट्रेनें भी रद्द हो जाती है। तो ये
बारिश का समय है, मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं, ये क्षणिक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ये कुछ समय अवधि की बात है और कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उसको लेकर राजनीति करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। आप हर बात पे राजनीति मत करिए। देश बढ़ रहा है, कोयले की भंडारण समुचित हो चुकी है, तो अभी आवश्यकता है कि आप और हम मिलकर इस समस्या से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। कोयले की निर्बाध पूर्ति हो चुकी है और जो लाइनों का विस्तार चल रहा है, तीसरी लाइन का विस्तार चल रहा है, उसके लिए कभी कभी तकनीकी रूप से ऐसी ट्रेनें को कैंसिल किया जाता है। भाई परमानेंट कैंसिल नहीं किया गया है। इसके लिए आप राजीव जी, लेकिन ये समस्या कब तक रहेगी? कब तक जो यात्री हैं वो परेशान होते रहेंगे, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है। रेलवे का विस्तार चल रहा है, तीसरीकरण की विस्तार का भी काम चल रहा है और तकनीकी आवश्यकता भी है, और जहां जहां कोयले की जो आपूर्ति है वो आज तक भी अगले एक महीने तक निर्बाध रूप से चलेगा। लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल एजेंडा बना लेना, पॉलिटिकल प्रेशर लगाना कि भाजपा ने ट्रेन रोक दी, ये गलत बात है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एसके विज, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके विज जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है, तो आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि मेंटेनेंस लगातार इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, क्या पहले भी ऐसे ही होता था? नमस्कार। देखिए, ये बात मैंने पहले भी सुनी है आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया से। इसके लिए देखिए समाधान बड़ा, पहले तो समझना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, क्या इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। तो आपके जो लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या अपने जो एमएलए साहब हैं, वो उनसे कहें, वो रेलवे से बात करें और रेलवे को सुझाव दें कि भाई आपको इतनी ट्रेन कोयले की चलानी है, हमारी जो एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन चलती है उसके कुछ स्टॉपेज बढ़ा लिए जाए, और ये इतनी 18 ट्रेनों में से कुछ ट्रेन जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि दोनों तरफ का संतुलन बना करके दोनों काम किए जा सके। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको हम बार बार मतलब इसको डिस्कस करें, उसकी बजाय जहाँ डिस्कस करना चाहिए रेलवे के ऑफिसर्स के साथ में, जो आपकी लोकल ऑपरेटिंग डिवीजन है वहाँ के डीआरएम के साथ में, नहीं तो जनरल मैनेजर जो है जो बैठते हैं आपके क्षेत्र के एरिया के, उससे बात करनी चाहिए। ये समाधान निकलेगा, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है और आप संतुष्ट होंगे। मैं नहीं कहता सिर्फ कोयले में मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है, ये बात नहीं है। कोयले की जरूरत थी पावर प्लांट्स पे, और आप पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस में आप देख रहे हैं कोयले पर निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है। तो इस चीज का बातचीत करने से, समझ लेने से जरूर हल निकलेगा, और बड़ा सिंपल सा हल होगा, कोई मुश्किल ना रेलवे को होगी ना पब्लिक को होगी। जी, आपसे सुझाव भी लेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अजय जी का। अजय जी, तो जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर प्लांट से उसमें कोयला की कमी हमने देखी थी और यहीं से कोयले की ढुलाई की जा रही थी, खासतौर से अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति के पीछे मकसद क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले स्पष्ट कर दो आपके लोकप्रिय चैनल पे, ये कहीं भी किसी प्रकार से कांग्रेस के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज जो छत्तीसगढ़ की आम जनता जो परेशान हो रही है, एक जो गरीब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत वाहन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने शादी के लिए या अन्य कार्यक्रमों के लिए या छुट्टियों के लिए 2 से 4 महीने पहले टिकट बुक करता है। आज अचानक 2 दिन पहले उसे सूचना दी जाती है कि आपकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, उस बेचारे व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है? ना वो फ्लाइट अफोर्ड कर सकता है, ना व्यक्तिगत वाहन अफोर्ड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आज वो परेशान हो रहे हैं। और देखिए गीतू, एक बहुत राजनीति के अलावा एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के टिकट है। मेरे ब्रदर ने लॉ की नासिक में शादी थी, जिसका ट्रेन नंबर था 12812। 2 जुलाई को मैं यहाँ से नासिक जा रहा था, परसों मुझे अचानक मैसेज आता है कि आप ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। अब मेरे ब्रदर ने लॉ की शादी है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं 18,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट लू, या मैं कार्यक्रम कैंसिल करूँ। ये मेरा, आपको चाहे तो PNR नंबर भी दे दो, 6500 3383546, ये मेरी ट्रेन की टिकट है। जी,
और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं जीतू जी आज ये मेरे साथ हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के प्रत्येक आम इंसान के साथ हो रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं यूपी की सरकार 10 साल थी, आज कोयला परिवहन और यात्री ट्रेनों में एक समन्वय और संतुलन स्थापित था, कभी इतनी मात्रा में ट्रेनों को कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ रेलवे बोर्ड के सदस्य विज जी बैठे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे मंत्रालय आज यात्री ट्रेनों और कोयले के परिवहन की जो ट्रेनें हैं उसमें एक कार्य योजना बनाने में एक समन्वय जी। राजीव जी आप क्या मानते हैं, क्या रेलवे विभाग का मिसमैनेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है? विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो। लेकिन अजय जी का जो सवाल है वो भी वाजिब है, वो भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से कह रहे कि एन वक्त पर उनकी टिकट कैंसिल हो जाती है। देखिए केवल ये तो कह रहे शादी में जाने से वंचित हो गए, कोरोना काल की वजह से जो दूल्हे थे वो ऊपर चले गए, ये तो जो आपात स्थिति है, भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आएगी तो नहीं, ये सिचुएशन को उससे रिलेट नहीं कर सकते राजीव जी। ये सिचुएशन तो उन यात्रियों के लिए है जिनके अन वक्त पे टिकट कैंसिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोरोना के कारण से स्थिति भयावह हुई है और ट्रांसपोर्टिंग बंद थी, केवल रेलवे ट्रांसपोर्टिंग चालू थी जिसमें रेलवे स्लाइडिंग से पावर प्लांट में कोयले पहुंचाए जा रहे थे और आज तक उसकी आपूर्ति की जा रही है, इसको लेके आप हिंदुस्तान ने एक प्रश्न का जवाब दे, आपके लोग क्या कह रहे थे, आपको इस बात का जवाब दे, स्थानीय नागरिक क्या कर रहे थे, राजीव जी शायद यही बात करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अजय जी सुनिए जरा, राजीव जी तो ये जो बात है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कि प्रदेश सरकार को एटलीस्ट कम से कम ये पता चलता कितनी ट्रेनें कैंसिल हो सकती है और राज्य सरकार व्यवस्था करे, प्रशासन व्यवस्था करे, तो इस बात की इंफॉर्मेशन क्या नहीं दी गई रेलवे विभाग की तरफ से? और शायद यही एक चूक हम कह रहे हैं कि जिसके चलते जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। रेलवे विभाग समय समय पर जो रेलवे की बोर्ड्स हैं और आम जनता के साथ जो समन्वय होता है और प्रतिनिधियों के साथ, कांग्रेस के अच्छा विधायक है वो क्या कर रहे थे, आपके मुख्यमंत्री भी क्या कर रहे थे, आपके लोग क्या कर रहे थे, सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। आप रेलवे के बिल्कुल नहीं, आप लोग संतुलन बिठाने में बिल्कुल आगे भी रहेगी, कोयले की कमी से जूझ रहा है पूरा पूरा विश्व, पूंजीपति पूंजीपति मित्र आपके नहीं थे क्या, पूंजीपति मित्र सबके होते हैं, वो देश के निर्माता है, फिर आप बंद कर दीजिए उनके उद्योगों को, आपने शासन डालने के लिए बंद कर दिया, ये तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं, जनता के लिए देखते हैं, देश के लिए देखते हैं, हम देश के लिए प्राण उठाने को तैयार है, क्या बात करते हैं, आपकी पार्टी राजनीति करती है, रेलवे अपने लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चल रही है, उसकी जो प्रोग्राम लंबी कार्ययोजना चला रही है, रेलवे अपने लिए लंबा लगातार काम कर रही है, आधुनिकीकरण हो रही है, बिल्कुल कोई केंद्र सरकार नहीं है, ये गलती आपकी है जी। अजय जी अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? चलिए रेलवे की तरफ से मानते हैं लापरवाही क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो नहीं किया जा रहा है, अब यात्री परेशान हो रहे हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है उसके लिए? कहीं ना कहीं हमारे पास जो ऑप्शन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जो यात्री बसों की संख्या है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बसों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लगातार जो उसके फेरे जो एक बस अगर किसी रूट पे दो बार चलती है उसको फेरे को दोगुना कर दिया गया है हमारी तरफ से, ताकि ज्यादा वो बस के फेरे हो, ज्यादा संख्या में बस चले, तो हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं, सही तरीका है, यही मूलभूत अंतर है आपके और हमारे में, आप इस सच को स्वीकार कर लीजिए कि आप जो रहती ट्रेनों में और कोयले परिवहन के यात्री में जो संतुलन था, देखिए कहीं ना कहीं जीतू ये चाहते ही नहीं है
कि छत्तीसगढ़ की जनता तक सही तथ्य पहुंचे, ये यही इनका चरित्र है। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, आज जो है 158 मिलियन आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में कोयले उत्पादन में पहले नंबर में है। उसके बाद आज यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनें करने के कैंसिल करने से वही छत्तीसगढ़ के बेचारे आम नागरिक परेशान होते हैं। दो से चार महीने का जो प्रोग्राम है शादी का लेकर छुट्टियों का, यही तरीका है आपका। क्यों आज सबसे बड़ी आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए किसके इशारे पर कोयले के परिणाम को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, यही आपका चाहता है। और देखिए कहीं ना कहीं कोई को शांत करेंगे क्योंकि ये चाहते नहीं तक पहुंचे, ये अपनी गलती स्वीकार करना। चलिए तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अजय जी कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बसें भी लगा दी गई हैं जो कि बार बार रूट्स कवर करेंगी, तो ऐसे में लोगों के लिए सुविधा है। अगर आप ये मैसेज देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ वासियों को तो हमारे इस न्यूज स्टेट के जरिए बाकी मैसेज उन तक पहुंच रहा है। हमारे साथ एस के विज जी भी जुड़े हुए हैं। जी एस के विज जी, जी जी बताइए। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं कोविड काल में 60% ट्रेनों को इनके द्वारा कैंसिल किया गया, उसमें से काफी ट्रेन के द्वारा अभी तक चालू नहीं की गई। उसके अलावा जब चालू की गई तो स्पेशल ट्रेन का बोल के 30-40% भाड़ा वसूल किया गया। और स्पष्ट कर दूं जनरल टिकट काउंटर इनके द्वारा नहीं खोले गए, उसके बदले जो टीसी है वो 250 से 1200 रुपए की पेनाल्टी लेकर लोगों को टिकट देते रहे, 49 करोड़ रुपए कमाए। ये देखिए अप्रैल 2021 से ये राजनीति का क्षेत्र है, इनको शांत करें पहले, इनको शांत करें क्योंकि जानते हैं इनकी गलती पहुंच रही है। आज देखिए अप्रैल 2020 से फरवरी 2022 तक हम 49 करोड़ रुपए इनका बड़ा पेनाल्टी रुपए वसूले गए। आज सीनियर सिटीजन को लेके दिव्यांग को लेके जो छूट और सुविधाएं मिलती थी उनको बंद किया गया। कहीं ना कहीं जो कोई रवैया है देश की आम जनता के जेब में जो डकैती करने का काम है ये लगातार आज 49 करोड़ रुपए और ये इनका चरित्र है। आज कहीं ना कहीं कोयले का परिवहन का जो भाड़ा है वो यात्री परिवहन से 30-40% ज्यादा है, इसलिए यात्रियों को परेशान करके पूरा कॉर्पोरेशन कोयला परिवहन के लिए है। उसके बाद भी 67% आज लोगों को कोयला नहीं मिल पाता, ये पूरी तरह कहीं ना कहीं इनके जो परिचित पूंजीपति है उसको फायदा पहुंचाने के लिए 30-40% ज्यादा कीमत पर इंपोर्ट किए गए कोयले को छुपाने के लिए केंद्र सरकार का साजिश और षड्यंत्र है। इस सच को स्वीकार कर लीजिए राजीव जी, आपको कि आप किसको फायदा पहुंचाने लेकर रहे हैं, ये उनकी तकलीफों से आपको कोई सरकार नहीं है। आप सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए यही आपका क्षेत्र है। चलिए जी जी, अब क्या व्यवस्था की जाएगी यात्रियों के लिए? राजीव जी जरा सुन लेते हैं। अजय जी क्या व्यवस्था की जाएगी ऐसे यात्रियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकी रेलवे की रेलवे की तरफ से कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो है, लेकिन अब यात्री किस तरह से ट्रेवल कर सकते हैं? देखिए कोयला का परिवहन जो है सबसे पूर्वी कोयले का परिवहन केंद्र सूची का विषय है। इस संबंध में शुरू से आखिरी तक के जो प्रमुख निर्णय लिए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अपर सचिव सुब्रत साहू जी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा कि आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनें कैंसिल कीजिए ताकि यात्री परिवहन भी चलता रहे, कोयला परिवहन भी चलता रहे। कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं करा राजीव जी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय कोयले परिवहन यात्री परिवहन के बीच का जो संतुलन है राजीव जी उसको स्थापित इस बात पर भी ध्यान देगा जिस तरह से अजय जी बता रहे हैं। नहीं देखिए बिल्कुल रेलवे बिल्कुल संज्ञान लिए हुई है और यहाँ के लोकल प्रतिनिधि का हर मामले में बहुत उदासीन रवैया है। यहाँ के अधिकारी राजनीति के इनके मुखिया के साथ राजनीति में संलग्न है। अगर ये लोग समय और संतुलन बनाते तो बसों के फेरे पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। हर बात में बहुत अच्छी जानकारी दे दूं आपके चैनल पे, बिलासपुर के सांसद अरुण साव जी और उन्होंने कहा था कि हमने रेलवे मंत्रालय से बात करके ट्रेनों को चालू करने के लिए कहा। इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो अरुण साव जी ने अपनी प्रभावशाली ढंग से बात नहीं रखी या आज केंद्र की मोदी सरकार चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है क्योंकि यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं और रेलवे की तरफ से अगर वो बात नहीं सुनी जा रही है तो राज्य सरकार का ये बनता है कि वो भी कहीं ना कहीं बसों के फेरे बढ़ाए और ये उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, जिसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।